नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां लॉकडाउन के चलते प्रदेश सरकार देश के अलग अलग प्रांतों से फंसे हुए मजदूरों और उन कामगारों को घर वापसी कराने का प्रयास कर रही है, जिसके चलते आज हरिद्वार से लखीमपुर खीरी श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन करीब 1200 मजदूरों को लेकर लखीमपुर खीरी पहुंची, जहां रेल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ थर्मल स्क्रीनिंग कर मेडिकल जांच की, जिसमें स्कैनिंग और सैंपल लेने के बाद कुछ श्रमिकों को क्वारंटीन सेंटर में और कुछ श्रमिकों को होम क्वारंटीन किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम इस पर पूरी तरह से सतर्क है, क्योंकि जिस तरह जिले में श्रमिकों के आने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है, उसको देखते हुए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से चौकन्ना है। आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। क्या करते थे वहाँ पर? वहाँ पर ड्यूटी करते थे। लॉकडाउन में कब से फंसे हो वहाँ पे? 3 माह पहले। जी जी, जाओ फिर वहाँ 3 माह ड्यूटी दिया। और अब कहाँ जाएंगे आप? जाएंगे। आज लखीमपुर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं लॉकडाउन में? बहुत अच्छी सुरक्षा है ना? क्या कहेंगे आप? कहेंगे बहुत अच्छी सुरक्षा वहाँ जो है। यहाँ आए जब वहाँ से चले आप लोग, तो यहाँ कोई रास्ते में खाने वाने की व्यवस्था हुई? हाँ जी, और चाय वाय मिली और एक बार खाना मिला। चलो चलो।